नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में दो वर्गों के बीच मारपीट हो गई और इसमें चार लोग घायल हो गए। यह पूरा प्रकरण बक्सा थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव का है, जहां दोनों पक्षों की तहरीर लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला अब आपको बताते चलें कि हैदरपुर गांव निवासी इमरान की हैदरपुर बाज़ार में इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। सुबह गांव के ही करण सिंह इमरान की दुकान पर कोई सामान लेने गए थे। उस समय दुकान पर इमरान का भाई सद्दाम बैठा था। सामान खरीदने को लेकर विवाद में करण और सद्दाम के बीच हाथापाई हो गई। सद्दाम का सिर फट गया। इसकी खबर लगते ही सद्दाम पक्ष के 10 से 12 की संख्या में लोगों ने करण के घर लाठी डंडे से लैस होकर हमला कर दिया। करण पक्ष के किशन, अर्जुन व वंदना सिंह को पीट कर घायल कर दिया गया। गांव में तनाव की सुगबुगाहट पर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। थाना अध्यक्ष ओम नारायण सिंह महफोस मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के घायल होने पर थाने पर दोनों पक्ष पहुंच गए। वहीं एएसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह और सीओ सदर संत प्रसाद उपाध्याय मामले की गंभीरता को लेकर स्वयं स्थिति का जायजा लेने पहुंच गए। इमरान का कहना है कि सद्दाम का फिसल कर गिरने से सिर फट गया। वहीं करण ने कहा कि किसी ने उसके घर वालों को मारा पीटा नहीं है। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को CHC ले जाकर मेडिकल मुआयना व उपचार कराया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्षों की तहरीर लेकर उचित कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।